Yes, Adam Mustafa! Mustafa! Yes, Adam Mustafa! Mustafa! Yes, Adam Mustafa! 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 सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फूका पुतला, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा का हल्ला बोल, मठाधीश से माफिया की तुलना करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ किया गया है विरोध प्रदर्शन, पुतले की अर्थी निकाल, पुतले को किया गया है आग के हवाले, अखिलेश यादव का फोटो लगा पुतला किया गया है आग के हवाले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद के लाइन पर स्थित प्रकाश नगर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला किया है आग के हवाले। आपको पता है कि विगत दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्हें अब अखिलेश यादव कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें मौलाना अखिलेश कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि वह सनातन धर्म के इतने विरोधी हो चुके हैं कि वो हमारे हिंदू धर्म के जो मठाधीश हैं उनकी तुलना माफियाओं से करते हैं। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे मुरादाबाद महानगर के युवाओं ने, युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज फैसला किया कि हम अखिलेश यादव के पुतला दहन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि अगर उनमें दम है, अगर वो दम रखते हैं तो जिस प्रकार वो हिंदू धर्म के मठाधीशों पर कमेंट कर रहे हैं, कभी मुसलमान धर्मों के मौलानाओं पर अपना एक कमेंट करके देखें, कन्हैया लाल की जैसे गर्दन उतारी गई है, मुसलमान धर्म उनकी गर्दन उतारने का काम कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि करोड़ों मदरसे हैं पूरे देश में, उनमें अनेकों आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, कभी अखिलेश यादव के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो उनको अपना वोट बैंक मांगते हैं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली बककर वे चाहते हैं कि उनका मुसलमान वोट बना रहे, लेकिन अब ये सनातन धर्म के हम प्रेमी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब जब अखिलेश यादव जैसे संगीन मानसिकता के बीमार लोग इस तरीके के कथ्य देने का काम करेंगे, हम सड़क से लेकर संसद तक उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने मौलाना कहा, मौलाना देखिए, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति जो सनातन को मानता है या सनातन धर्म को के लिए प्रति दिल में आस्था रखता है, कभी वह अपने मंदिर के मठों के मठाधीशों के बारे में इस तरीके के बयान नहीं देगा। भले ही वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो घृणा करते हैं, सनातन धर्म से वो घृणा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो हिंदू धर्म के और हमारे मठाधीशों के, हमारे सनातन धर्म के विरोध में आ गए, ये चीज़ हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतनी घृणा रखता हो तो उस धर्म से उसका बहिष्कार कर देना ही जरूरी है। आज ये जो पुतला दहन करा है, आज अखिलेश यादव का हिंदू के रूप में जीवन समाप्त हो गया, आज से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौलाना अखिलेश कह के ही बुलाएगा।